स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा होने वाली है राजनीति के बारे में, हमारी चर्चा होने वाली है नेताओं के बारे में, हमारी चर्चा होने वाली है भ्रष्ट और क्रिमिनल नेताओं के बारे में। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, 75% ऑफ महाराष्ट्र's मिनिस्टर्स हैव क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ऑल दो हमारी डिस्कशन की शुरुआत होगी महाराष्ट्र के बारे में चर्चा शुरू करके, लेकिन इन जनरल हम लोग डिस्कशन करेंगे द प्रॉब्लम ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, क्योंकि ये केवल महाराष्ट्र की प्रॉब्लम नहीं, ये पूरे देश की प्रॉब्लम है। हम लोग आज एक डिबेट, एक डिस्कशन करने वाले हैं ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। किस स्तर पे ये प्रॉब्लम है, क्यों ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का हम लोग किस तरह से निवारण कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस ले आ सकते हैं, इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस पेपर टू में पॉलिटी में इस तरह के सवाल आ सकते हैं, जहाँ पे दे आस्क क्वेश्चंस अबाउट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, व्हाई दिस प्रॉब्लम इज सो रैम्पेंट इन इंडिया, क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या नंबर से, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो यू आर एट द राइट स्पॉट। आप जानते हैं कि स्टडी आईक्यू का लाइव फाउंडेशन बैच जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी, वो शुरू हो रहा है 22 अगस्त 2022 से। आपको ध्यान रखना है कि 15 अगस्त तक हमारा इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा है, हम भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इसीलिए भारी डिस्काउंट आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर कोर्स पे, या फिर अगर आपका ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ज्योग्राफी, तो पीएसआईआर और ज्योग्राफी का कोर्स भी चल रहा है। आपको केवल एक काम करना है, यू हैव टू यूज़ द कोड राहुल लाइफ। कंपनी के प्राइसेस ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ये कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइफ, यू विल गेट दिस एंटायर कोर्स ओनली फॉर 17,499। ऑप्शनल के ऊपर भी आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है यू हैव टू एनरोल बिफोर 15th of August। चलिए चर्चा वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है महाराष्ट्र के बारे में। देखिए, कई महीनों से हम लोग महाराष्ट्र का पॉलिटिकल ड्रामा फॉलो करते हुए आ रहे हैं, राइट। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार गिर गई, उसके बाद एक शिंदे गुट और बीजेपी की सरकार बनी। ऑलमोस्ट एक महीने तक दो ही मंत्री थे, चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो कैबिनेट एक्सपेंशन की बातें चल रही थी। इवेंचुअली कैबिनेट एक्सपेंशन हुई, 18 मंत्रियों ने शपथ ली, 9 मेंबर्स बीजेपी से थे, 9 मेंबर्स आपके शिंदे फैक्शन से थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए जिन लोगों ने भी टोटली स्वेरिंग की है, यानी कि टोटली 20 मिनिस्टर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, दो एक सीएम एक डिप्टी सीएम और 18 मिनिस्टर्स, टोटली 20 मेंबर्स है, जिसमें से 75% यानी कि 15 मिनिस्टर्स है जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस फाइल्ड है, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस है ऑलरेडी, और 13 ऐसे मिनिस्टर्स हैं, यानी कि इन 15 में से 13 ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। इट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम। इसके अलावा इन जनरल जो मंत्री हैं उनके प्रति कुछ और भी एनालिसिस की है एडीआर ने और महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच ने। देखिए, इन जनरल अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस की डिग्री की जरूरत पड़ती है, यानी कि देयर इज अ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। लॉयर बनना है तो एलएलबी की जरूरत पड़ती है, यार इंजीनियर बनना है तो बीटेक की जरूरत पड़ती है, राइट। यानी कि देयर इज एन क्वालिफिकेशन, एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नीडेड। बट अगर आपको एक पॉलिटिशियन बनना है तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो जो मंत्री बने हैं उसमें से 8 मंत्री ऐसे हैं, यानी 40% मिनिस्टर्स आर सच दैट दे हैव डिक्लेयर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टू बी बिटवीन ओनली 10th to 12th स्टैंडर्ड। 11 ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्होंने बताया कि वो ग्रेजुएट है, एक मंत्री ने बताया कि ही होल्ड्स अ डिप्लोमा। ऑल दो आई एम नॉट टेलिंग कि एजुकेशन और नेता बनने का एजुकेशन नहीं है, या फिर अगर इलिटरेट है तो अच्छे नेता नहीं बन सकते, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बट इन जनरल देर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, राइट। देर इज अ नीड फॉर दैट और नॉट, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, राइट। इसके अलावा जो मिनिस्टर्स हैं उसमें कोई महिला नहीं है, दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। अब हमारी चर्चा होने वाली इस नंबर के बारे में, 75% मिनिस्टर्स हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस अभी भी चल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है,
क्यों है कि जो नेता है, जो पॉलिटिशियन है, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस है? व्हाई इज सो मच ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया? क्रिमिनल्स ही क्यों नेता बन रहे हैं? ये तो महाराष्ट्र की बात हुई। अगर हम लोग इन जनरल हमारे पार्लियामेंट की बात करें, हमारे संसद में अगर आप नंबर्स देखें, ये कॉन्स्टेंट थीम है कि जो क्रिमिनल्स है वो संसद में जा रहे हैं। अगर हम लोग पिछले 3 लोकसभा का डेटा देखें, 2009, 2014, 2019 का, जो क्रिमिनल्स जा रहे हैं पार्लियामेंट में, जो एमपी बन के, उनका नंबर अब देखिए, 2009 में 30% ऐसे एमपी थे जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस थे, वो बढ़ गया 34%, 2014 में वो बढ़ गया 43%, 2019 में, यानी कि आज भी, आज की जो लोकसभा है उसमें 43% एमपी ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस है, और अभी की जो लोकसभा है उसमें 29%, विच इज हाईएस्ट हियर, 29% ऐसे एमपी हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं अभी। इट इज़ अ ह्यूज ह्यूज प्रॉब्लम। पार्लियामेंट में तो प्रॉब्लम है ही है, आपने महाराष्ट्र का नंबर देखा, महाराष्ट्र का छोड़िए, दिस इज अ कॉन्स्टेंट थीम थ्रू आउट इंडिया, नॉट जस्ट इन पार्लियामेंट, नॉट जस्ट इन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली, बट किसी भी असेंबली में आप देखिए, वहाँ पे क्रिमिनल्स आर एंटरिंग मोर एंड मोर। इनफैक्ट 1 दिसंबर 2021 का डेटा हम लोग देख रहे हैं कि कितने केसेस पेंडिंग है अगेंस्ट द लेजिस्लेटर्स, MPs and MLAs, टोटली 4,984 क्रिमिनल केसेस आर पेंडिंग अगेंस्ट टोटल MLAs एंड MPs इन इंडिया। अगर हम लोग नंबर बात करें, अप्रॉक्सीमेट नंबर्स, यार कितने MLAs होंगे इंडिया में, अप्रॉक्सीमेटली 4,100 odd MLAs होंगे सभी स्टेट्स के मिलाकर, कितने अपने MPs होते हैं, 545 प्लस 245 यानी कि 790, सो अप्रॉक्सीमेटली 800, ऑलमोस्ट द सेम नंबर, 4,900 के आसपास आपको MPs MLAs मिलेंगे, उनके खिलाफ इतने केसेस पेंडिंग है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सभी के खिलाफ पेंडिंग है, आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि मल्टीपल केसेस आर पेंडिंग अगेंस्ट क्रिमिनल्स इन इंडिया, बोथ MPs एंड MLAs। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर इतना ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है क्यों इंडिया में, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? देखिए कुछ रीजंस को एनालाइज करते हैं। सबसे पहला रीजन है कि पार्टी ने टिकट दे दिया, और ये किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अक्रॉस इंडिया, बी इट बीजेपी, कांग्रेस, एनी पॉलिटिकल पार्टी, यू सी द नंबर्स, आपको क्रिमिनल्स मिलेंगे ही मिलेंगे, कहीं ज़्यादा मिलेंगे कहीं कम मिलेंगे, बट मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी क्यों होता है कि पार्टी टिकट दे रही है, पार्टी टिकट क्यों दे रही है कि भैया अगर क्रिमिनल है तो विनेबिलिटी ज़्यादा है, मनी पावर मसल पावर इस्तेमाल कर सकते हैं और पार्टी के लिए एक जीत दिला सकते हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते भी उन्हें टिकट दिया जाता है कि क्रिमिनल है, लेकिन फिर भी टिकट दिया गया क्योंकि गारंटीड विन है। इसके अलावा इंडिया की ज्यूरिसप्रूडेंस जो, यानी कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, वहाँ पे इनोसेंट अंटिल प्रूवन का कॉन्सेप्ट है। अब समझ लीजिए आई एम सीकिंग इलेक्शन और मेरे खिलाफ क्रिमिनल केस कर दिया किसी ने, तो आई वुड बी इनोसेंट टिल गिल्टी, यानी कि प्रूव करना है, और प्रूव करने में इंडियन जुडिशियरी का तो रिकॉर्ड है, इज़न्ट इट, ऑल द जोक्स अपार्ट, केसेस काफ़ी लंबे चलते हैं, यानी कि अगर एक केस फाइल किया गया, एवरेज डिस्पोजल रेट इज अबाउट 5 years ओनली, यानी कि केसेस चलते हुए जा रहे हैं, जब तक केस चल रहा है तब तक वो विधायक बन गया, उनका टर्म भी खत्म हो गया, अगली बार इलेक्शन हार भी गया तो कुछ नहीं हो रहा, राइट, जस्ट गिविंग ए हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, यानी कि इनोसेंट अंटिल प्रूवल का जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से केस चलते हुए जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक नहीं 10-10 क्रिमिनल केस चलते हुए जा रहे हैं, डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहे। इसके अलावा इन जनरल पॉलिटिशियंस एक बार पावर में आते तो नेक्सस बना देते हैं ब्यूरोक्रेट्स, स्पेशली ब्यूरोक्रेट में यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा मैं पुलिस का, राइट, सो पुलिस के साथ जैसे ही नेक्सस बन जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन भी ठप हो जाती है, सबूत अपने आप ही गायब होने लगते हैं और जुडिशियल प्रोसेस जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, दीज आर ऑल्सो दी प्रॉब्लम्स। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम हम लोग कह सकते हैं, वोटर्स अनअवेयरनेस थोड़ी सी होती है, ऑल दो आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में आई वुडंट से वोटर्स आर अनअवेयर कम्प्लीटली, लेकिन अगर हम लोग 10 साल पहले की बात करें कहीं ना कहीं वोटर्स वर अनअवेयर कि जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है उसके प्रति मेरे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के बारे में, उसके एसेट्स के बारे में, कितना पैसा रखा है, पहले कितना पैसा था, अभी कितना पैसा बना है, एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए। और कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं इंडिया में वोटर अनअवेयरनेस, वोटर अवेयर नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम लोग रीसेंट टाइम्स की भी बात करें, यहाँ पे वोटर की बहुत बड़ी गलती है। एक सर्वे हुई थी जहाँ पे वोटर से सवाल पूछा गया कि आपको 2 कैंडिडेट्स के बीच में चूज करना है, एक कैंडिडेट है नॉविस कैंडिडेट है, यानी कि नया कैंडिडेट है, क्लीन कैंडिडेट है, कोई क्रिमिनल केस उनके खिलाफ नहीं है, क्योंकि नए कैंडिडेट है तो काम थोड़ा सा स्लो चलेगा, शायद काम स्लोली होगा, या तो उनको चूज करना है या तो दूसरे बंदे को चूज करना है जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस है लेकिन काम हो जाएगा। तो मेजॉरिटी लोगों ने चूज दूसरे बंदे को किया जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस है लेकिन काम जल्दी हो जाता है, राइट, दैट इज वॉट वोटर इज ऑल्सो लुकिंग फॉर, दैट्स अ प्रॉब्लम विथ द वोटर ऑल्सो।
एक तो अवेयर नहीं है, अवेयर होने के बावजूद अगर आप क्रिमिनल को चूज कर रहे हैं ये वोटर की गलती है। इसके अलावा पॉलिटिकल वेंडेटा भी बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया, मतलब मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया, अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अगर इलेक्शन लड़ने के लिए मैंने जैसे ही नॉमिनेशन फाइल कर दिया किसी ने मेरे खिलाफ एक केस फाइल कर दिया, पॉलिटिकल वेंडेटा कि भाई इसके जीतने के चांसेस है तो मैं इसके खिलाफ एक क्रिमिनल केस कर देता हूँ, तो पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते भी कई बार बहुत सारे केसेस होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। इसके लिए बहुत सारे केसेस अभी भी चल रहे हैं पेंडिंग अगेंस्ट दीज पॉलिटिशियंस, बट अगेन दिस रेट वुड बी मिनिस्क्यूल। इन जनरल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है इंडिया में, ये सारे उसके रीजन से, कहीं ना कहीं वोटर भी इसके लिए जिम्मेवार है। लेकिन एक और चीज भी इसके लिए कारण है, हमारे यहाँ पे जो लीगल एस्पेक्ट से वो कॉन्स्टिट्यूशन से क्लियर नहीं, यानी कि आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन के नॉर्म्स दिए गए हैं लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्विक्शन के बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया, यानी कि आर्टिकल 102 एमपीस के लिए 191 फॉर दी स्टेट असेंबलीज फॉर एमएलएस, यहाँ पे 10th शेड्यूल में डिस्क्वालीफाई अगर हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बना है उसके अंदर सेक्शन 8 है ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, लेकिन रूल क्या है कि अगर कोई विधायक भी है, एमपी है, एमएलए है, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस हुआ है तो चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, केस चलना चाहिए और इवेंचुअली कॉन्विक्ट होनी चाहिए, यानी कि दे मस्ट बी कॉन्विक्टेड कि उनके खिलाफ चार्जेस प्रूव है वो और कॉन्विक्ट हो गए, और वो भी इस क्राइम के लिए जहाँ पे 2 साल से भी ज़्यादा आपको इम्प्रिजनमेंट यानी कि सजा मिलेगी, तब जाके डिस्क्वालीफाई होंगे। अब ये तो देखिए अभी तो कॉन्विक्शन भी आ गया लेकिन पहले तो अपील करने पे भी हुआ करता था, ऑल्दो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है कि जैसे ही विधायक एमपी हो एमएलए हो अगर कॉन्विक्ट हो जाए दे स्टैंड डिस्क्वालिफाइड एट दैट टाइम इटसेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ द अपील। पहले ऐसा था कि 90 दिनों के बीच अगर आप अपील करोगे तो फिर आप विधायक रहोगे, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अभी फिलहाल कुछ स्टैंड्स इस तरह का है, किसी के खिलाफ अगर कॉन्विक्शन आ गया जहाँ पे 2 साल से भी ज़्यादा सजा मिल सकती है देन दे स्टैंड डिस्क्वालिफाइड। तो लीगल क्लैरिटी और भी चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीगल मेजर्स की जरूरत है, उससे हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम कम जरूर कर सकते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है तो क्या है, अगर काम चल रहा है तो चलने दीजिएगा। दिस इज अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें आएगी क्रिमिनल है तो क्या हुआ, ये एक बहुत ही गलत एटीट्यूड है, क्योंकि अगर क्रिमिनल्स सिस्टम में घुस गए, अगर क्रिमिनल्स हमारे लिए लॉ बनाएंगे, अगर क्रिमिनल्स हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है, आगे जब इलेक्शन होगा क्या वो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे? एब्सोल्युटली नहीं होंगे, क्योंकि वो अनड्यू एडवांटेज लेंगे, क्योंकि क्रिमिनल्स है मनी पावर मसल पावर डेवलप करेंगे और इलेक्शन खुद जीतते हुए जाएंगे, तो नए लोग यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे? इसके अलावा दूसरी एक और चीज़ होती है, क्या अगर क्रिमिनल्स घुस जाए तो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल नेक्सस को कैसे ब्रेक किया जा सकता है? और भी ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ही रैम्पेंट प्रॉब्लम हो जाएगी ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में। इसके अलावा इन जनरल सबसे बड़ा एक सवाल रह जाता है, क्या वो गुड गवर्नेंस दे पाएंगे? अगर एक क्रिमिनल सिस्टम में जा रहा है तो विल दे प्रोवाइड गुड गवर्नेंस? एंड इवन इफ दे प्रोवाइड गुड गवर्नेंस शुड वी बैलेंस दिस? एब्सोल्युटली नॉट, देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ओवर दिस। अगर आप सोच रहे क्रिमिनल है तो क्या, नो, दैट एटीट्यूड इज रॉन्ग, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, आगे और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम खोखला बन जाता है। इसकी वजह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकना बहुत बहुत जरूरी है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट है जो सेवियर बना हुआ है। क्योंकि देखिए कितनी आयरॉनिकल सी बात है, क्रिमिनल्स जा चुके हैं संसद में, क्रिमिनल्स जा चुके हैं अपनी स्टेट असेंबली में, तो क्या वो अपने खिलाफ ही लॉ लाएंगे? नहीं ना, राइट? दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट हैज बिकम अ बिग बिग सेवियर। अगर हम लोग मल्टीपल केसेस की बात करें, जैसे कि ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताया कि लोगों के पास, हमारे पास, अगर हम लोग वोटर हैं तो हमारे पास अधिकार है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, कि अगर कोई लड़ रहा है इलेक्शन तो उनके क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स के बारे में हमें जानने की जानकारी होनी चाहिए, क्या उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा है। तो इसीलिए जब भी आप नामांकन करोगे, नॉमिनेशन अपना फाइल करोगे, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उनके साथ एक एफिडेविट फाइल करोगे और उस एफिडेविट में सारी चीज़ें सच्ची बतानी है, कितने आपके एसेट्स है। ये हुआ था PUCL केस में, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 केस में, जहाँ पे सारी क्रिमिनल रिकॉर्ड, सारे आपके एसेट्स, सारी आपकी डिटेल्स एफिडेविट में आपको फाइल करनी पड़ेगी विद द रिटर्निंग ऑफिसर, और ये सिटीजन्स तक पहुँचनी चाहिए। इसी का काम है इलेक्शन कमीशन, काफ़ी सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं, मोबाइल ऐप्स भी आ चुके हैं जहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे भी इलेक्शन चल रहा है वहाँ पे आप अपने जो कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी डिटेल्स आप देख सकते हो, जिसके बिना पर आप अपना जो मत है वो दे सकते हैं। और ये कहा गया है हमारे पास
ये राइट टू इंफॉर्मेशन है। और आपको ध्यान रखना है, अगर कोई कैंडिडेट एफिडेविट में गलत चीजें देगा देन दे वुड स्टैंड डिसक्वालीफाइड। अगर बाद में पता चले कि एफिडेविट में गलत चीजें बताई हैं, तो इसीलिए सच्ची सच्ची चीजें बताते हैं एटलीस्ट इन दी एफिडेविट। इसके अलावा लिली थॉमस केस में, जैसे कि मैंने आपको बताया 2013 का केस था, सेक्शन 8 को बदला गया। सेक्शन 8 में जो चीज़ें थी कि अगर आपका कन्विक्शन हो गया तो कन्विक्शन के बाद आपको 90 दिन मिलते थे अपील के लिए। तो जैसे आप अपील करोगे फिर से केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया कि जैसे ही कन्विक्ट हो जाएंगे तो आपका आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और इस डिस्क्वालिफिकेशन में कई लोग डिस्क्वालीफाई भी हो चुके हैं, जैसे कि लालू यादव हैं, दूसरे भी कई लोग हैं एमपी से एमएलए, वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आपका एक आर्गुमेंट है कि सर सारे के सारे कैंडिडेट्स ही क्रिमिनल हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो मैं क्या करूं? सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में नोटा का ऑप्शन दिया है। ऑल दो नोटा का ऑप्शन मैं कहूंगा कि उतना वैल्यूएबल नहीं है, बट नन द लेस इट इज योर डिसप्लेजर टुवर्ड्स ऑल द कैंडिडेट्स। इसके अलावा 2020 में इन्होंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनका सारा इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे हो जनता को बताना चाहिए, और विनेबिलिटी नहीं बताना चाहिए कि अगर आप टिकट दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना है पॉलिटिकल पार्टीज को, ये भी इन्होंने एक जजमेंट में बताया। तो सुप्रीम कोर्ट अभी तक का सेवियर बना हुआ है, क्योंकि क्वाइट एक्सपेक्टेड है क्योंकि लॉ मेकर्स ही वहाँ पहुँच चुके, तो अपने खिलाफ लॉ नहीं बना रहे, राइट। इसके अलावा सवाल ये उठता है कि हम लोग कर क्या सकते हैं, वॉट कैन बी डन। देर आर अ फ्यू थिंग्स आइडियली होने चाहिए। सबसे पहला है जुडिशियल एफिशिएंसी आनी चाहिए। आपने देखा कि 4,900 से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है एमपी एमएलएस के खिलाफ। सबसे पहले क्विकली डिस्पोज ऑफ करें। जुडिशियल एफिशिएंसी जैसे ही आ जाएगी कि गुनहगार है या नहीं गुनहगार है, पॉलिटिकल वेंडेटा से केसेस हुए हैं तो केसेस डिस्पोज ऑफ करनी है, ये सारी चीज़ें जब पता चलेंगी, कॉन्विक्ट हो जाएंगे, सजा मिलेगी, तो एटलीस्ट वो तो छट जाएंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को और भी ज़्यादा एफिशिएंट करने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन को पावर्स देने चाहिए, मोर एंड मोर पावर्स टू क्लेंज द पॉलिटिक्स इन इंडिया। ऑफकोर्स इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन शुड गेट मोर पावर्स टू क्लेंज द पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसके अलावा आइडियली एथिकल पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का जो संविधान रहेगा उनका खुद का रहेगा, उसमें काफ़ी एथिक्स आने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ही है जो अल्टीमेटली अपना जो टिकट डिसाइड करते हैं। दे गिव द टिकट, टिकट किसे मिल रहा है, क्या टिकट एक क्रिमिनल को दिया जा रहा है? अगर क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ हैं तो उन्हें टिकट क्यों दिया जा रहा है? एथिकल टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके बाद इवेंचुअली पॉलिटिक्स थोड़ी सी क्लेंस जरूर हो सकती है। इसके अलावा हम लोग गवर्नेंस रिलेटेड भी चीज़ें बता सकते हैं कि कुछ हो सकता है सरकार अपनी तरफ से, अगर मनी पावर कम करना चाहे तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन वगैरह कर सकते हैं, बट अगेन फार फेचर्ड सॉल्यूशन। सबसे एक अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम सब की भी, विजिलेंट वोटर्स की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए हम लोग हमेशा क्रिप करते हैं कि यार क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन एक सवाल ये बनता है कि वो क्रिमिनल कैसे पहुंचा संसद में, वो क्रिमिनल कैसे पहुंचा स्टेट असेंबली में, वोट किया गया इसीलिए। वोटर्स को विजिलेंट होना चाहिए, जब तक वोटर्स विजिलेंट नहीं होंगे, जब तक वोटर्स ऐसे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये लोग पहुंचते ही रहेंगे इन पार्लियामेंट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो वोटर्स हैव टू बी विजिलेंट। वोटर्स के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऐप है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आप जा सकते हो, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में आप सारी डिटेल्स देख सकते हो। अगर कोई कैंडिडेट क्लीन इमेज का नहीं है, अगर उनके खिलाफ सीरियस केसेस है, क्रिमिनल केसेस है, डू नॉट वोट फॉर देम, डू नॉट सेंड देम टू पार्लियामेंट, डू नॉट सेंड देम टू योर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो वोटर्स विजिलेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन। लेट अस होप कि इसके प्रति और भी स्टेप्स आए, जुडिशियल एफिशियंसी हो, सरकार की तरफ से स्टेप्स आए, इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन किया जाए, अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा सा एथिकल बनेंगे तो सोल्यूशन जरूर बन सकते हैं, राइट। सो लेट अस होप ऑल दीज थिंग्स हैपन। जब भी ये होगा, कोई अपडेट आएगी तो हम लोग जरूर डिस्कशन करेंगे ऑन स्टडी आई क्यू। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।